हे गाइस, वेलकम बैक टू चिल मेडिकोस। तो यार, आज का जो टॉपिक है ना, वो अपना होने वाला है काउंटर करंट मैकेनिज्म के ऊपर। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इस पर फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो यार स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए होते यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और इसके साथ जो मेरे नोट्स वगैरह हैं ना यार, वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप वहाँ से जाके नोट्स भी ले लेना। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है? अपने पास दो रहती हैं यूट्यूब शेप की, क्या ट्यूब्स बोल सकते हैं अपन। ठीक है, तो यार ऐसे समझिए आप इसको कि एक है अपना ये, ठीक है, ये ट्यूब है अपनी एक, जिसे अपन बोलते हैं क्या, लूप ऑफ हेनलीज। ठीक है, और जो सेकंड ट्यूब है यार, वो अपन बनाते हैं किस कलर से, रेड से। ठीक है, ये दिस इज अ बासा रेक्टा। ठीक है, दो चीज़ अपन यहाँ पे, इससे दोनों को अपन को यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो बासा रेक्टा का डायरेक्शन क्या होता है? ऐसा होता है कि ब्लड यहाँ से आएगा और यहाँ से आउट हो जाएगा। ठीक है, और क्या होगा, जो अपना फिल्ट्रेट होता है वो अपना यहाँ से आता है और यहाँ से निकल जाता है। ठीक है, ये होता है। तो इन दोनों के बीच में चलता है अपना क्या, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, याद रखना आप। ठीक है, एक तो बासा रेक्टा, ठीक है, और दूसरा होता है अपना लूप ऑफ हेनले। तो ये दो यूट्यूब के यहाँ पे दिख रहे हैं ना आपको ना, इन्हीं के बीच में चलेगा अपना पूरा का पूरा मैकेनिज्म, काउंटर करंट मैकेनिज्म। और इस मैकेनिज्म को अपन टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, काउंटर करंट जो सिस्टम होता है। ठीक है, जो पहला होता है उसे अपन बोलते हैं काउंटर करंट मल्टीप्लायर, जो कि अपना होता है लूप ऑफ हेनले में। और सेकंड होता है अपना काउंटर करंट एक्सचेंजर, ठीक है, जो होता है अपना बासा रेक्टा में, जो अभी मैंने आपको ड्रॉ करके बताया। ठीक है, अब पहला पढ़ेंगे अपन काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इसके ऊपर यूनिवर्सिटी एक सेपरेट अलग से ही नोट पूछ लेती है यार। ठीक है, काउंटर करंट सिस्टम में भी जो काउंटर करंट मल्टीप्लायर होता है ना, इसके ऊपर भी यूनिवर्सिटी एक सेपरेट 5 नंबर में एसएन पूछ लेती है। ठीक है, तो पहले अपन इसको पढ़ेंगे किससे, डायग्राम से, उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं इसको आपको किससे, थ्योरी से। तो क्या होता है यार, यहाँ से अपना जो फिल्ट्रेट था एंटर करता है, मतलब कि अपना जो पीसीटी है, पीसीटी के बाद कंटिन्यू होकर आता है अपना लूप ऑफ हेनले में। तो ये लूप ऑफ हेनले ही है यार जो आपको दिख रहा है। तो लूप ऑफ हेनले में आएगा, यहाँ से एंटर करेगा, और यहाँ से जाने के बाद यहाँ ऊपर अपना आ जाता है ये डीसीटी वाला पोर्शन। ठीक है, और इसके बाद ये अपनी कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, तीन चीज़ अपन ने यहाँ पे देख ली हैं। अब क्या होगा, यहाँ से अपना एंटर करेगा यूरिन। ठीक है, उसके बाद नीचे डिसेंड करता है, तो हैंस ऑफ लूप ऑफ हेनले में। तो एक अपना क्या है, डिसेंडिंग लिम्ब यार। ठीक है, डी से डोनेट कर दी, और ये वाली आपको जो दिख रही है, ठीक है, ये हो गई अपनी असेंडिंग लिम्ब, ए से डोनेट कर दिया मैंने। ठीक है, तो अब जो डिसेंडिंग लिम्ब है, यहाँ से अपना आएगा फिल्ट्रेट। ठीक है, हेयर पिन लूप से क्या, इस साइड जाएगा असेंडिंग लिम्ब में और ऊपर चला जाएगा। अब लेकिन काउंटर करंट मल्टीप्लायर में क्या होता है कि जो अपना फिल्ट्रेट आ रहा था उसमें होता है क्या, NaCl। तो NaCl जैसे असेंडिंग लिम्ब में आएगा अपना, ठीक, असेंडिंग लिम्ब में आ गया भाई, फिर उसके बाद क्या होगा, असेंडिंग लिम्ब से NaCl का होता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो ये रिएक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की वजह से NaCl यहाँ से निकल के अपना कहाँ गया, इंटरस्टिशियल, यहाँ पर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में। तो भाई एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करवा लिया NaCl का। अब क्या होता है, ये NaCl अपना किस में आ गया, इनर मेड्यूलरी स्पेस में। ठीक है, तो इनर मेड्यूलरी स्पेस में क्या करता है, ये NaCl एंटर करता है अपना किस में, या फिर बोल सकते हैं अपन डिफ्यूज कर जाता है किस में, जो अपनी डिसेंडिंग लिम्ब थी। ठीक है, ये अपनी डिसेंडिंग लिम्ब थी यार लूप ऑफ हेनलेस की, तो इसके अंदर ये डिफ्यूज़ कर जाता है। तो क्या होता है कि ऊपर से पहले तो एक NaCl अपना फिल्ट्रेट के साथ आ ही रहा था, और दूसरा और अपन ने यहाँ पे और ऐड करवा दिया। तो क्या होगा, जो अपना लूप ऑफ हेनले में यहाँ पे जो हेयर पिन बैंड तक आएगा, तो इसमें अपना जो डिफ्यूज़ NaCl था ये भी होगा, और जो फिल्ट्रेट वाला होगा वो भी होगा। तो यहाँ पे NaCl का अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया। जब डबल अमाउंट हो गया, ठीक है, डबल अमाउंट हो गया NaCl का, फिर ये ऊपर जाएगा असेंडिंग लिम्ब में। ठीक, असेंडिंग लिम्ब से फिर वापस में एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा, तो अपना कहाँ आ जाएगा, मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में, या फिर इनर मेडुला में। ठीक है, तो इनर मेडुला में फिर से NaCl आएगा, फिर से वो एंटर कर जाएगा अपना डिसेंडिंग लिम्ब में। तो ये पूरा की पूरी प्रोसेस चलती रहती है, और अपना NaCl का कंसंट्रेशन होता है ना फिल्ट्रेट में, वो इंक्रीज करता रहता है, मतलब मल्टीप्लाई करता रहता है हर एक डिफ्यूजन पे, जो इंटरस्टिशियल स्पेस से डिफ्यूज करके अपनी डिसेंडिंग लिम्ब में जा रहा था। ठीक है, तो हर बार ऐड होता जा रहा था फिल्ट्रेट में। ठीक है, तो ऐड होने की वजह से क्या, मतलब मल्टीप्लाई कर जा रहा था, इसलिए इस सिस्टम को अपन बोलते हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर सिस्टम, जो अपना किस में होता है, लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, जब इसकी अपन थ्योरी देखते हैं, थ्योरी क्या बोलती है, तो आपको और समझ में आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ठीक है, तो जो लूप ऑफ हेनले होता है, ठीक है,
इट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ हाइपर ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूड एंड मेडुलरी ग्रेडियंट। ठीक है, इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? अपना लूप ऑफ हेनले। ठीक है, हाइपर ऑस्मोलरिटी मतलब क्या? ज़्यादा कंसंट्रेशन किसका? NaCl का। ठीक है, इस वजह से वहाँ पर ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो जाती है। अब देखते हैं रोल ऑफ लूप ऑफ हेनले इन द डेवलपमेंट ऑफ मेडुलरी ग्रेडियंट, क्या रोल होता है? तो अपन ने पढ़े थे यार जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन। ठीक है, जब अपन ने ऐसा प्राइमेट से पढ़ा था ना यार, तो एक नेफ्रोन्स तो होते थे अपने जस्ट टू पेरीफेरी ऑफ मेडुला। ठीक है, जो कि कुछ इस प्रकार से थे, अपन ने पेरीफेरी पे कर दिया इसको। इसके बाद ऐसे जिसका लूप ऑफ हेनले था ना यार, ये काफ़ी नीचे तक आता है, इनर मेडुला तक आता है। ठीक है, किसका? जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन का। और जो कॉर्टिकल नेफ्रोन थे यार, उनका काफ़ी छोटा होता है, जो आउटर मेडुला होता है सिर्फ वहीं तक आता है। तो जो इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियन स्पेस थी यार, उसको मेंटेन करने के लिए वहाँ तक अपने को क्या चाहिए? हेनलेस लूप चाहिए था, जो का सिर्फ अपना जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रोन के पास था। ठीक है, तो वही क्या करते हैं? अपना मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि इनका जो लूप होता है ना यार, ठीक है, वो काफ़ी पेनिट्रेट करता है, एक्सटेंड अप टू द इनर मेडुला। ठीक है, ये तो जनरल बात हो गई। अब बढ़ते हैं अपन आगे और देखते हैं यहाँ पे हाइपर ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुला इंटरस्टिशियल जो फ्लूड होता है, उसकी हाइपर ऑस्मोलिटी किस वजह से होती है? ड्यू टू एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl एंड अदर सॉल्यूट्स फ्रॉम असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। जो असेंडिंग लिम्ब थी, जो ऊपर मैंने यहाँ पे बता रखी है आपको, ठीक है, ये वाली, ठीक है, असेंडिंग लिम्ब थी, तो यहाँ से क्या NaCl का क्या हो रहा था? अपना एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, इस वजह से क्या हो जाता है? एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। फिर एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है यार? कि एक्युमुलेशन, ठीक है, सॉल्यूट एक्युमुलेट इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो इस वजह से जो यहाँ पे NaCl था ना, यहाँ पे एक्युमुलेट होने लगता है। अब यहाँ पे एक्युमुलेट हो जाएगा, इस वजह से क्या होगा? इंक्रीज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ऑफ NaCl इन मेडुलरी स्पेस। जो मेडुलरी स्पेस थी, ठीक है, वहाँ पे NaCl कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से आयंस अपने डिफ्यूज कर जाएंगे डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में। ठीक है, जब डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में पहुँच गए अपने NaCl फिर से, ठीक है, और अपने पास ब्लड से NaCl और आ रहा था, तो वो डिसेंडिंग लिम्ब में फिर पहुँच जाएगा। तो यहाँ पे एक तो अपना क्या डिफ्यूजन के थ्रू आ रहा था NaCl, दूसरा अपना ब्लड से आ रहा था फिल्ट्रेट में, फिल्ट्रेट के थ्रू। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के ये दोनों मिल गए। ठीक है, तो यहाँ पे डबल हो गए। फिर ये अपने हेयर पिन लूप के थ्रू चले जाते हैं किसमें? असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले में। ठीक है, फिर वहाँ से फिर से एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, फिर से ये साइकिल पूरी की पूरी अपने यहाँ पे चलती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है, ये मल्टीप्लाई होता रहता है NaCl। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। और द सोडियम एंड क्लोराइड्स आयंस आर रिपीटेडली रीसर्कुलेटेड बिटवीन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले थ्रू मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड स्मॉल पोर्शन ऑफ NaCl एक्सक्रीट। क्या होता है कि जो असेंडिंग लिम्ब होती है ना लूप ऑफ हेनले की ना, वहाँ से NaCl सिर्फ बिल्कुल थोड़ा सा ही निकल पाता है, थोड़ा सा ही निकल पाता है। तो मोस्टली क्या होगा? मोस्टली उसका एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो इंटरस्टिशियल स्पेस में पहुँच जाएगा, मेडुलर इंटरस्टिशियल में, वहाँ से ग्रेडियंट डेवलप करेगा। और वही ग्रेडियंट तो अपने को चाहिए यहाँ पे NaCl। आप यहाँ पे देख रहे होगे, जैसे अपन नीचे आते हैं ना कॉर्टेक्स में, तो वैसे ही अपनी क्या ऑस्मोलरिटी इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे 1200 ऊपर कितनी थी? 300 थी, फिर 400, फिर 600, फिर 800, फिर 1000, फिर 1200, समझ रहे हो ना? तो 1200 ज़्यादा थी इनर मेडुलर स्पेस में। तो यही NaCl की वजह से ना अपनी क्या ये ऑस्मोलरिटी बन रही थी। ठीक है, अब मान के चलो आपका कम NaCl निकल पा रहा है, ठीक है, एक्सक्रीट हो पा रहा है, तो क्या वहाँ पे NaCl का अमाउंट बढ़ता जाएगा मेडुला में, ठीक है, इनर मेडुला में, तो उसकी ऑस्मोलरिटी ना बढ़ती जाती है। ठीक है, तो उसके लिए यही मैकेनिज्म चलता है, काउंटर करंट बोलते हैं जिसे अपन। ठीक है, ड्यू टू मोर एडिंग NaCl इन द फिल्ट्रेट, ठीक है, एंड लेस एक्सक्रीशन ऑफ NaCl, मल्टीप्लाई द NaCl इन द फिल्ट्रेट, मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड इंक्रीज द मेडुलरी ऑस्मोलरिटी, सिंपल। सो इट इज़ कॉल्ड द काउंटर करंट मैकेनिज्म। मैंने आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में बता रखा है, ठीक है, बड़ी बात नहीं, कोई ये काफ़ी ईजी है, काफ़ी ईजी कंसेप्ट है। ठीक है, अदर फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हाइपर ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड। एक तो अपन ना किसने करवा दिया, एक तो NaCl ने बढ़वा दी, और दूसरा कौन कौन हाइपर ऑस्मोलिटी बढ़वा सकता है? तो यार क्या होता है, जो सोडियम होता है ना, उसका रीअब्जॉर्प्शन होता है अपना कलेक्टिंग डक्ट से, वो भी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। कैसे? कि जो सोडियम है ना, ठीक है, जो मेडुलरी पार्ट रहता है अपना कलेक्टिंग डक्ट का, वहाँ से सोडियम का होता है रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा। रीअब्जॉर्प जब सोडियम हो जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे सोडियम का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा किसमें? मेडुला में। ठीक है, मेडुला का इंटरस्टिशियल फ्लूइड में, तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी अपनी ऑस्मोलरिटी। आगे बताऊँगा आपको इसको थोड़ा और। ठीक है, और जो सेकंड आता है उसे अपन बोलते हैं रीसर्कुलेशन ऑफ यूरिया।
तो रिसर्कुलेशन ऑफ यूरिया ये मैं आपको समझा देता हूँ बेटा अच्छे से। यहाँ पे आप देखिए ठीक है, यहाँ पे ये अपनी कलेक्टिंग डक्ट है ठीक है, इतना अपने को समझ आ गया। क्या होता है कलेक्टिंग डक्ट इस नॉर्मली नॉर्मली क्या होती है, इम्परमेबल टू होती है यूरिया, मतलब यूरिया को बाहर नहीं पहुँचा सकती ठीक है, इम्परमेबल होती है। बट लेकिन क्या होता है बेटा कि जैसे ही अपना ADH था ना, एंटीबायोटिक हार्मोन ठीक है, वो जैसे ही आता है तो ADH क्या करवाता है, कलेक्टिंग डक्ट को परमेबल बनाता है वाटर के लिए। तो यहाँ से क्या होगा, रीऑब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो जाएगा H2O ठीक है, ADH की वजह से। तो क्या होगा, वाटर का रीऑब्जॉर्प्शन हो गया, तो क्या होगा कि यहाँ पे जो अपना यूरिया था, यूरिया का जो कंसनट्रेशन था वो इंक्रीज़ कर जाएगा। अगर कंसनट्रेशन यूरिया का इंक्रीज़ कर जाता है तो क्या होगा, जब यूरिया का कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगा तो वो डिफ्यूज़ कर जाएगा यार कहाँ में, मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में ठीक है, डिफ्यूज़ कर गया। तो इसी कंसनट्रेशन की वजह से डिफ्यूज़ कर जाता है किस में, मेडुलरी स्पेस में, और इस वजह से क्या हुआ कि हाइपर ऑस्मोलरिटी बना देता है ठीक, मतलब ऑस्मोलरिटी मेंटेन कर दे रहा है। आगे इसको अपन थ्योरी से पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत ठीक है। तो अपन यहाँ थे ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं अपन क्या हो रहा था। कलेक्टिंग डक्ट इज इम्परमेबल टू यूरिया ठीक है, हाउ एवर DCT एंड कलेक्टिंग डक्ट रीअब्जॉर्ब वाटर, वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा ठीक है, बाय एक्शन ऑफ ADH। इस वजह से कंसनट्रेशन ऑफ यूरिया इंक्रीज इन DCT ठीक है एंड कलेक्टिंग डक्ट, दोनों में क्या इसका अपने यूरिया कंसनट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा यार, यूरिया कंसनट्रेशन इंक्रीज होने की वजह से ड्यू टू कंसनट्रेशन ग्रेडियंट यूरिया डिफ्यूज फ्रॉम कलेक्टिंग डक्ट ठीक है इन टू द मेडुलरी इंटेस्टिशियम। इस वजह से कलेक्टिंग डक्ट से वो मेडुलरी इंटेस्टिशियम पे पहुंच जाएगी ठीक है, और इस वजह से वहाँ पे इंक्रीज कर देगी ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटेस्टिशियल फ्लूड की ठीक है। क्या होता है यार, जो 50% ऑफ हाइपर ऑस्मोलरिटी होती है इनर मेडुलर स्पेस की, वो किसकी वजह से होती है, यूरिया रिसर्कुलेशन की वजह से ठीक है। और जो यूरिया ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, जो चैनल्स होते हैं यूरिया को ट्रांसपोर्ट करने वाले, यूरिया ट्रांसपोर्टर A1 एंड यूरिया ट्रांसपोर्टर A3, इसको एक्टिवेट कौन करता है, अपना ADH ठीक है। इतना अपने को समझ आ गया है। अब सेकंड अपन बनने वाले हैं कौन सा, काउंटर करंट एक्सचेंजर ठीक है। काउंटर करंट एक्सचेंजर में क्या होता है ये, और काफ़ी सिंपल है यार ठीक है, ये अपना होता है बासा रेक्टा के थ्रू ठीक है। इसका मेन काम रहता है यार कि जो अपनी वहाँ पे ऑस्मोलरिटी बनी थी ना, ग्रेडियंट बना था ना, उसको मेंटेन करना ठीक है, मेंटेन करके रखना कि वो कम ना हो और ज़्यादा ना हो ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रोल ऑफ बासा रेक्टा इन मेंटेनिंग ऑफ मेडुलरी ग्रेडियंट में, कि बासा रेक्टा एक्ट्स लाइक अ काउंटर करंट एक्सचेंजर ठीक है। काउंटर करंट एक्सचेंजर होता है मतलब एक्सचेंज करना ठीक है, मतलब NaCl और वाटर को एक्सचेंज करना ठीक है। अभी एक्सचेंज कब क्यों कर पाता, क्योंकि इसकी पोजिशन ही ऐसी होती है, इसकी पोजिशन मैंने आपको बताई थी कि U2 होती है कुछ ऐसी ठीक है, U2 होती है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग होती है इसमें भी ठीक है। और इसके बाद इसी के बीच में अपना क्या रहता है, लूप ऑफ हेनले। इस पोजिशन की वजह से यार ये अपना क्या कर पाता है, यहाँ पे जो मेडुलरी ग्रेडियंट था उसको मेंटेन कर पा रहा है। क्या होता है बासा रेक्टा में, जो उसकी डिसेंडिंग लिम्प होती है बासा रेक्टा की, वो रन किसके साथ करती है, अपनी असेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले। जो वहाँ पे असेंडिंग लिम्प थी उसके साथ कौन सी होगी, अपनी डिसेंडिंग लिम्प ऑफ बासा रेक्टा। और जो असेंडिंग लिम्प है ना यार बासा रेक्टा की, वो किसके साथ रन अलोंग डिसेंडिंग लिम्प ऑफ लूप ऑफ हेनले, जो उसकी डिसेंडिंग लिम्प होगी ठीक है। ये सिंपल हो गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि ये पूरा का पूरा क्या अपना बासा रेक्टा है ठीक है। यहाँ पे कुछ नेमिंग कर लेते हैं अपन, अगर मान के चलो कि यहाँ से अपना क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है अंदर ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी मेरी, डिसेंडिंग लिम्प ठीक है। और यहाँ से ब्लड ऊपर जा रहा है तो दिस इज असेंडिंग लिम्प ठीक है। तो डिसेंडिंग असेंडिंग कर ली अपन ने। अब क्या होता है, जो डिसेंडिंग लिम्प होती है ना यार ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्प क्या करती है कि जो NaCl अपना इंटरस्टिशियल स्पेस में पड़ा हुआ था ठीक है, जो अपना ऐसे मान चलो कि हाँ मैंने बना दिया कौन सा अपना असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, तो यहाँ से अपना NaCl निकलता था, तो वो NaCl अब चला जाएगा किसमें, अपनी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा में ठीक है। और जैसे ही बासा रेक्टा के अंदर जाता है, वैसे ही यहाँ से जो पानी होता है वाटर, वो साइमल्टेनियसली बाहर निकल आता है किसमें, मेडुलरी इंटरस्टिशियल स्पेस में ठीक है। ये आ गया अपने को समझ में। तो पानी निकला, NaCl अंदर गया डिसेंडिंग लिम्ब में ठीक है, बासा रेक्टा के। फिर क्या होता है, वो सर्कुलेट करता है ठीक है, और पहुंचता है किसमें, असेंडिंग लिम्ब में, किसके थ्रू, हेयरपिन लूप के थ्रू। अब असेंडिंग लिम्ब में पहुंच जाता है, तो असेंडिंग लिम्ब में क्या होता है यार अपना, ऐसा देखो ये मैंने बना दिया क्या यहाँ पे, इसका डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा,
यहाँ से जो अपना NaCl इसके अंदर था वो बाहर निकलेगा NaCl, ठीक है, और वो क्या करेगा, वापस से अपना एंटर कर जाएगा किस में, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ लूप ऑफ हेनले में, ठीक है। और जो वाटर था ना इंटरस्टिशियम में, ठीक है, मेड्यूल इंटरस्टिशियम, वो फटाक से अंदर एंटर कर जाएगा इसमें, ठीक है, किस में एंटर कर जाएगा, ये अपना एंटर कर जाएगा असेंडिंग लिम्फ ऑफ बासा रेक्टा, ठीक है। कन्फ्यूज नहीं होना है, जो मैं बोल रहा हूँ उसको काफ़ी ध्यान से सुनो, तभी आपको ये चीज़ समझ में आने वाली है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे चलता रहता है। अब आगे आपको थ्योरी से और समझाता हूँ मैं, ठीक है। री एब्जॉर्प्शन ऑफ NaCl फ्रॉम असेंडिंग लिम्फ, ठीक है, ऑफ हेनले एंटर्स टू द मेडुलरी स्पेस, ठीक है। तो अपना जो रीअब्जॉर्प्शन हुआ था सोडियम NaCl का, तो वो क्या पहुँच जा रहा था अपना, वो अपना इंटरस्टिशियम स्पेस में पहुँच जा रहा था मेडुला की, ठीक है। अब भाई मेडुला की इंटरस्टिशियम स्पेस में पहुँच गया, जहाँ से उसका अपना असेंडिंग लिम्फ से अपना कौन सा एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन हो गया था NaCl का, अब वो मेडुलर स्पेस में आ गया। तो अब क्या करेगा, मेडुलर स्पेस से वो वापस से रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा NaCl किसके अंदर, डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ बासा रेक्टा में। तो बासा रेक्टा में आ गया ये भाई, आ गया तो अब बासा रेक्टा में आ गया। तो अब बासा रेक्टा के बाद क्या होगा कि जो बासा रेक्टा में पानी था वो निकल कर जाएगा बाहर, ठीक है, वाटर बाहर निकल आएगा, और वो वाटर निकल के कहाँ पहुँच जाएगा, मेडुलरी स्पेस में, ठीक है। ये तो अपन ने यहाँ पे देख लिया। फिर क्या होगा आगे कि ड्यू टू स्लो ब्लड फ्लो फ्रॉम डिसेंडिंग लिम्फ ऑफ बासा रेक्टा कलेक्ट मोर NaCl एंड रिचेस द असेंडिंग लिम्फ ऑफ बासा रेक्टा बाय हेयर पिन लूप। क्या करता है यार कि ब्लड का फ्लो स्लो होता है, तो इस वजह से जो डिसेंडिंग लिम्फ होती है बासा रेक्टा की, उसमें NaCl का कंसनट्रेशन ज़्यादा होता जाता है, मतलब ऐड होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है, बट वो तो स्लो स्लो जा रहा है ना, तो इस वजह से NaCl ज़्यादा ऐड होता है और वो पहुँच जाता है असेंडिंग लिम्फ ऑफ बासा रेक्टा में। अब असेंडिंग लिम्फ ऑफ बासा रेक्टा में पहुँचने के बाद क्या होता है कि असेंडिंग लिम्फ ऑफ बासा रेक्टा से NaCl बाहर निकल आता है मेडुलरी स्पेस में, ठीक है, और जो मेडुलरी स्पेस में अपना वाटर था वो अपना अंदर चला जाएगा किस में, असेंडिंग लिम्फ ऑफ बासा रेक्टा में, ठीक है। तो इतना ही होता है यार, पूरा एक्सचेंज हम यहाँ पे ही आयन एक्सचेंज हो रहे हैं। ऐसे मान के चलो कि अगर आपकी मेडुलरी स्पेस में NaCl ज़्यादा हो रहा था, तो उसकी अपनी जो ऑस्मोलरिटी थी मेडुलरी स्पेस वो इंक्रीज़ करने वाली थी, तो वो 1200 से कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ कर जाती, लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा था, जो बासा रेक्टा डिसेंडिंग लिम्ब थी उसने कुछ NaCl अपने पास ले लिया, तो इस वजह से वो क्या 1200 की 1200 रह गई, 1200 से जो एक्स्ट्रा होने वाली थी वो अपनी डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा ने ले ली, तो वहाँ पे मेंटेन करके रख लिया उसने ऑस्मोलैरिटी को, जो ग्रेडियंट था उसको मेंटेन कर लिया। एक तो उसने NaCl लेने से मेंटेन कर लिया, और दूसरा उसमें पानी मिलाने से मेंटेन कर लिया, ठीक है। और अगर मान चलो कि आपकी वहाँ पे ऑस्मोलैरिटी कम हो रही है, तो क्या करेगा, जो असेंडिंग लिम्ब होगी ना बासा रेक्टा की, तो वहाँ से NaCl डाल देगा स्पेस में, मेडुलरी स्पेस में, तो भी आपकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और वहाँ से अगर पानी भी रीअब्जॉर्ब कर लेगा असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा, तो भी आपकी वहाँ ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार वो अपना ग्रेडियंट मेंटेन करके रखता है बाय द चेंजिंग ऑफ NaCl एंड वाटर। तो इसलिए इसको अपन बोलते हैं काउंटर करेंट एक्सचेंजर, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं थोड़ी और, ठीक है। दिस साइकिल इज रिपीटेड एंड मेंटेन द मेडुलरी ग्रेडियंट। बासा रेक्टा रिटेन्स NaCl इन द मेडुलरी इंटरस्टिशियम एंड रिमूव वाटर्स फ्रॉम इट। क्या करता है यार कि जो अपना इंटरस्टिशियम स्पेस थी, तो वहाँ पे NaCl तो फाइनली पहुँच गया, लेकिन जो वहाँ वाटर था वो अपनी असेंडिंग लिम्ब ऑफ बासा रेक्टा ने एब्जॉर्ब कर लिया था, और वही बाद में एक्सक्यूट हो जा रहा था, ठीक है। सो द हाइपर ऑस्मोलिटी ऑफ मेडुलर इंटरस्टिशियम इज मेंटेन, ठीक है। और रिसाइकलिंग ऑफ यूरिया ऑल्सो अकर थ्रू द बासा रेक्टा। जो रिसाइकलिंग ऑफ यूरिया था ना, वो बासा रेक्टा से भी होता है, ठीक है। तो इतना ही करना साथ सारा का सारा अपना क्या काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट सिस्टम, ठीक है। तो आप इसको एक बार पढ़ लेना, मेरे नोट से पढ़ लेना, ठीक है। और बाकी अच्छे से मेहनत करो यार, वीडियो नहीं देखते हो तो देखना स्टार्ट करो, क्योंकि लास्ट में ना आप बुक तो पढ़ नहीं पाओगे, और बुक में काफ़ी कंटेंट होता है। अगर आपको पेपर से पहले प्रिपरेशन करनी है, तो आपको 2 या 3 महीने पहले स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर बुक से पढ़ रहे हो तो। इसलिए अगर वीडियोस पढ़ रहे हो तो मैं काफ़ी आपको अच्छा पढ़ा रहा हूँ यार, ठीक है, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए। तो आप लोग यार शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, कि सब तक मेरी वीडियोस पहुँच पाएँ, सबकी हेल्प हो पाए, मेरे नोट्स सबके पास पहुँच पाएँ। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।